नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे मेजर क्रिकेट लीग के बारे में। पूरा डिटेल आपको मिलेगा। इसमें हम लोग कौन कौन से पॉइंट की चर्चा करेंगे, MLC क्या है यानी कि मेजर क्रिकेट लीग क्या है, और इसमें टीम्स कौन कौन सी हैं, बिग प्लेयर कौन कौन से हैं, शेड्यूल क्या है, कहाँ और वेन्यू क्या है, और इन मैचेस को आप कहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं MLC क्या है यानी कि मेजर लीग क्रिकेट क्या है। जैसे इंडिया में IPL होता है, आप लोगों ने सबने ही देखा है, उसी तर्ज पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने पहली बार टूर्नामेंट कराने का सोचा है और जिसका नाम इन्होंने रखा है मेजर लीग क्रिकेट, और ये खेला जाएगा अमेरिका में, जैसा कि नाम से ही पता है। हालांकि इसमें अधिकतर जो ऑर्गेनाइजर से लेकर सब पार्टिसिपेंट से लेकर जो टीमें भी हैं, मैक्सिमम में इंडियंस ही छाए हुए हैं। इंडियन लोगों ने ही ज़्यादा से ज़्यादा टीम बाई किया हुआ है। यहाँ पे जब आप टीम के बारे में देखेंगे तो आपको ये सारा कुछ पता लग जाएगा। अब इसमें कई सारे स्टार प्लेयर जैसे सुनील नारायण हो गया, राशिद खान हो गया, किरण पोलार्ड हो गया, आंद्रे रसल हो गया, फाफ डुप्लेसिस हो गया, बहुत सारे स्टार प्लेयर खेलते हुए नजर आएंगे, उसकी डिस्कशन भी हम लोग करेंगे। अब सबसे पहले देख लेते हैं इसमें कितनी टीमें खेलेंगी। तो इसमें 6 टीमें खेलेंगी जिनका नाम है लॉस एंजलिस नाइट राइडर्स, न्यूयॉर्क MI यानी कि मुंबई इंडियंस, न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स, सियाटल ओकर्स, टेक्सास सुपर किंग्स और वाशिंगटन फ्रीडम। ये 6 टीमें होने वाली हैं, और जिसमें कि आप एक बार स्क्वाड देखोगे तो आपको सारे बहुत सारे प्लेयर कॉमन लगेंगे। तो जरा हम लोग स्क्वाड पे देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, सबका नाम पढ़ना तो अभी बेकार ही रहेगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो आप अभी मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा लिंक सारे टीम का, और यहाँ पे भी आप स्क्रीन पे नाम सारे टीमों के आ रहे होंगे, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो, पहले हम लोग बिग प्लेयर्स की बात करें तो बिग प्लेयर्स में लॉस एंजलिस की तरफ से जेसन रॉय है, आंद्रे रसल है, सुनील नारायण है, तो काफ़ी सारे स्टार प्लेयर्स हैं जैसे लॉस एंजलिस नाइट राइडर्स में। नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा, नाइट राइडर्स यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स की ही फ्रेंचाइजी है, यानी कि शाहरुख खान वाली फ्रेंचाइजी ने ही इस टीम को भी खरीदा है, और इसीलिए उन्होंने कुछ प्लेयर कॉमन रखने की कोशिश किया है। तो कॉमन प्लेयर आपके हो गए जेसन रॉय हो गया, आंद्रे रसल हो गया, सुनील नारायण हो गया, और भी प्लेयर कॉमन रखने की कोशिश करते हैं। मगर दिक्कत क्या थी कि एक तो इसमें इंटरनेशनल शेड्यूल चल रहा है, इसलिए भी अधिकतर प्लेयर को कंटिन्यू नहीं कर पाए हैं, मगर काफ़ी सारे फिर भी स्टार प्लेयर हैं। उसके बाद न्यूयॉर्क MI न्यूयॉर्क की बात करें, यानी कि मुंबई इंडियंस, नाम से ही स्पष्ट है कि उन लोगों ने सेम कोर रखने की कोशिश किया है, तो इंडियन प्लेयर तो रख नहीं सकते क्योंकि इंडियन प्लेयर को खेलने का मौका नहीं मिल सकता है, यहाँ पे विदेशी लीग खेलने दिया नहीं जाता है। तो यहाँ पे देखो, राशिद खान, ट्रेंट बोल्ट और किरण पोलार्ड जो मेन इनके स्टार प्लेयर हैं, और जिसमें कि किरण पोलार्ड इसकी कप्तानी करेंगे, और लॉस एंजलिस का देखोगे तो सुनील नारायण को कप्तानी दिया गया है। और सैन फ्रांसिस्को की बात करें तो यहाँ पे आपको एरन फिंच, मार्कस स्टोनिस, कोरी एंडरसन जैसे स्टार प्लेयर आपको नजर आएंगे। और टेक्सास सुपर किंग्स, नाम से स्पष्ट है, जैसे चेन्नई सुपर किंग्स हो गया, वैसे टेक्सास सुपर किंग्स क्योंकि ऑनर सेम है। यहाँ पे उन्होंने फाफ डुप्लेसिस, डेवन कॉनवे और डेविड मिलर को रखा है जो स्टार प्लेयर है। और यदि आप सिएटल ओरकास की बात करें तो यहाँ हेथ मायर, सिकंदर राजा है। वाशिंगटन फ्रीडम में देखोगे तो एर्निक नोकिया हो गया, मार्को येंसन नजर आएंगे। तो काफ़ी सारे, इसके अलावा भी काफ़ी सारे हसरंगा वगैरह भी हैं, तो काफ़ी सारे और भी स्टार प्लेयर हैं, आप टूर्नामेंट में देख सकते हो। अब ये सबसे पहले तो ये टूर्नामेंट का शेड्यूल कब से कब होने वाला है वो देख लेते हैं। तो ये खेला जाएगा 13 जुलाई को, और इसमें टोटल 19 मैचेस खेले जाएंगे, और जिसमें से कि 15 ग्रुप मैचेस खेले जाएंगे, 4 जो है क्वालिफायर वगैरह और फाइनल वगैरह खेले जाएंगे। और इसका वेन्यू की बात करें तो वेन्यू ये केवल 2 वेन्यू में सारे मैचेस खेले जाएंगे, USA में ही सारे खेले जाएंगे। और ये 2 वेन्यू कौन कौन से होंगे, एक तो ग्रैंड प्रेरी स्टेडियम है और चर्च स्ट्रीट पार्क, यही 2 स्टेडियम में सारे मैचेस खेले जाएंगे, जिनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। एक की मेरे ख्याल 7,000 के करीब कैपेसिटी है, और एक का है 5,000 लोग एक साथ देख सकते हैं, मतलब 3,500 है, जिसको कि बढ़ा के वो 5,000 तक करने वाले हैं, यानी कि कोई बड़े स्टेडियम नहीं है उतने ज़्यादा। और यदि वेन्यू का हमने देख लिया, और इन मैचेस को आप कहाँ पे देख सकते हैं, तो इन मैचेस को आप इंडिया में स्पोर्ट्स 18 चैनल पे देख सकते हो। इसके अलावा यदि आप फ्री में देखना चाहते हो तो फोन में अपने आप लॉगिन करके देख सकते हो जियो सिनेमा, इसलिए जियो सिनेमा पहले ही लॉगिन कर लो। हाँ, यहाँ पे जैसे IPL में आप देखते हो कि 4 केवल फॉरेन प्लेयर खेल सकते हैं, तो यहाँ पे भी प्लेयर कैपिंग है, और यहाँ पे आप इंटरनेशनल प्लेयर मैक्सिमम आप प्लेइंग 11 में 6 ही खिला सकते हो, यानी कि 5 आपको डोमेस्टिक प्लेयर खिलाने पड़ेंगे।
तो ये कैपिंग है 6 प्लेयर की, मतलब इंटरनेशनल केवल 6 ही प्लेयर खिला सकते हो। जैसे आईपीएल में आप लोग इंटरनेशनल प्लेयर केवल 4 ही खिला सकते थे, तो यहाँ पे आप 6 ही खिला सकते हैं। और यदि स्क्वाड की बात करें तो मैक्सिमम आप 19 प्लेयर ले सकते हो और मिनिमम 16 प्लेयर का आपका स्क्वाड होना चाहिए। और स्क्वाड में आप मैक्सिमम 9 प्लेयर रख सकते हो इंटरनेशनल प्लेयर, और बाकी जो बचे हैं वो आपको डोमेस्टिक प्लेयर रखने पड़ेंगे जो कि जिनकी की नागरिकता यूएसए की है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की नागरिकता जिनके पास है, ऐसे प्लेयर को रखने पड़ेंगे। प्लेइंग 11 फिर से बता दूं, उसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो नागरिक है जिनके पास उनकी सिटीजनशिप है, वो 5 प्लेयर होने ही चाहिए मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम तो नहीं मिनिमम। और जो इंटरनेशनल प्लेयर है उसकी कैपिंग है 6 प्लेयर की मैक्सिमम की। तो एकदम सिंपल सा है, अब देखते हैं, बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। और इंडियन समय में आप इसको कितने बजे देख पाओगे, सुबह के ये 6 बजे स्टार्ट होगा इंडियन समय के अनुसार, तो मॉर्निंग टाइम में आप उठते ही मैच का मजा ले पाओगे। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।